बीप रेंज में सेट करके जो टेस्टिंग करते हैं उसको कोल्ड टेस्टिंग बोला जाता है, यानी कि हमें जैसे इसका पिन फाइंड करना है या पिन से जुड़ी कंपोनेंट को फाइंड करना है तो उसको हम कोल्ड टेस्टिंग करके फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसका जो अगर हमें वोल्टेज चेक करना हो तो वोल्टेज चेक करने के लिए हमें इस जगह पे नहीं रख सकते, और वोल्टेज चेक करने के लिए हमें इसको अलग से वोल्टेज सप्लाई भी देना जरूरी होता है। तो वोल्टेज जो टेस्टिंग होता है उसको हॉट टेस्टिंग बोला जाता है। वोल्टेज टेस्टिंग करने के लिए हमें जो मल्टीमीटर है उसको डीसी 20 वोल्ट में सेट करना जरूरी होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम मेमोरी सॉकेट का कोल्ड टेस्टिंग करते हैं। कोल्ड टेस्टिंग करने के लिए मल्टीमीटर को मैंने बीप रेंज में सेट कर लिया है। कोल्ड टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, जैसे इसका जो रेड वायर है इसको हम ब्लैक पे कहीं पे माइनस, जैसे कहीं पे आप टच कर सकते हो, इस तरह का माइनस पॉइंट होता है, कहीं पे आप इस तरह से टच कर सकते हो। और फिर जो ब्लैक है तो रेड को इस तरह से माइनस पे टच करना है, ये सभी माइनस पॉइंट होता है। जितने भी जो मेटालिक बॉडी होती है ये सब भी माइनस का पॉइंट होता है, तो आप कहीं पे भी डाल सकते हो रेड को। और फिर जो ब्लैक वायर है उससे आपको टेस्ट करना है, तो टेस्ट करने के लिए जितने भी पिन आप 8 पिन आप देख रहे हो तो सभी पिन में इस तरह से आपको टच करना है। टच करने पर आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ वैल्यू आ रही है, यहाँ पे सेकेंड पिन में भी कुछ वैल्यू आ रही है, और फिर थर्ड पिन में आप देख सकते हो, थर्ड पिन में चेक करने के बाद इस तरह से बीप आ रही है। तो ये जो बीप आ रही है वो माइनस पिन है। तो माइनस पिन हमारा क्या है, माइनस पिन हमारा 6th पिन है। तो ये हो गया पिन नंबर 8, ये पिन 7 हो गया, और ये क्या हो गया पिन नंबर 6। तो इस तरह से आप पिन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो फाइंड कर सकते हो। उसके बाद आप पिन नंबर 5 में चेक कर सकते हो, करते हैं तो वहाँ पे भी कुछ वैल्यू आ रही है। फिर पिन नंबर 4 में भी कुछ वैल्यू आ रही है, पिन नंबर 3 में, और पिन नंबर 2 में, और पिन नंबर 1 में। तो दोस्तों आप देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो किस तरह से आ रही है। जैसे ये पिन नंबर 1 हो गया लगभग 774, पिन नंबर 2 लग उतना ही वैल्यू है, पिन नंबर 3 सेम वैल्यू, पिन नंबर 4 की जो वैल्यू है वो थोड़ी कम है। यानी कि जो अदर पिन होती है उसका जो वैल्यू होती है वो हाई होती है, क्योंकि सभी पिन में कुछ रजिस्टर लगा होता है, जो रजिस्टर के चलते इसका जो वैल्यू आती है वो हाई आती है। लेकिन जो वोल्टेज पिन है उसमें रजिस्टर नहीं लगा होता है, इसीलिए इसका जो वैल्यू है वो लो आ रही है दोस्तों। तो इस तरह से भी आप फाइंड कर सकते हो कौन सा पिन डाटा क्लॉक का है और कौन सा पिन वोल्टेज का है, इस तरह से भी फाइंड कर सकते हो। माइनस तो जो बीप करेगी वो माइनस हो जाएगी, लेकिन इसके अलावा जो जिसका वैल्यू कम होगा वो प्लस होगी, और जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा वो डाटा क्लॉक और कमांड पिन होगी। तो दोस्तों इस तरह से हमें पिन का जो नंबर है वो सभी पता चल चुका है, और इसका वैल्यू भी हमें पता चल चुका है। तो वैल्यू देखने से अभी इसमें कोई फॉल्ट नहीं लग रहा है, मतलब अगर इसमें कोई शॉर्टिंग होती तो मतलब पिन नंबर 6 के अलावा कोई और पिन अगर बीप कर रही है तो आप डायरेक्टली इसमें शॉर्ट है या इसमें फॉल्ट है वो आपको पता चल जाएगा। तो आप उस पिन से जुड़ी कंपोनेंट को फाइंड करके उसको आप रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन अभी इस चेक करने पर इसमें कोई फॉल्ट नहीं दिख रही है आप, क्योंकि सभी पिन का जो वैल्यू है वो बराबर आ रहा है, वैल्यू में कोई गड़बड़ी नहीं आ रही है। लेकिन अगर कोई फॉल्ट होता तो आप इसका जो कंपोनेंट है उसको आप किस तरह से चेक कर सकते थे उसकी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। तो इसका कंपोनेंट चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे मान लीजिए एक पिन में आपको बीप आई, तो इस पिन में कोई फॉल्ट आपको, तो दोस्तों मान लीजिए आपको कोई एक पिन में फॉल्ट देखी, तो इस तो फॉल्ट ये पिन में नहीं होता है, इससे जुड़ी जो कंपोनेंट होता है उसमें फॉल्ट होता है। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या कर सकते हो आप, जैसे आपको एक पॉइंट को एक प्रोब को इस पिन में इस तरह से टच करना है, और फिर उससे जुड़ी जो कंपोनेंट इसके पास में ही कुछ कंपोनेंट लगा होता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, तो इसका कंपोनेंट, तो इस तरह से चेक करने पर आपको इससे जुड़ी जो कंपोनेंट है वो फाइंड हो जाएगी। अब यहाँ पे रख के अगर आप दूसरी कुछ कंपोनेंट में चेक करोगे तो उसमें एक कंटिन्यूटी या बीप नहीं दिखाएगी, तो आपको पता चल जाए, इस तरह से पता चल जाएगा कि इसका कंपोनेंट कौन सा है। और कंपोनेंट पता चलने के बाद आप उसको टेस्ट करके उसको किस तरह से टेस्ट करना है वो आपको आना चाहिए। तो टेस्ट करके वो कंपोनेंट फॉल्टी है या नहीं है इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। जैसे जो रजिस्टर है उसको किस तरह से चेक करना है, इसका प्रोसेस आपको पहले से आना चाहिए। तो इसको रजिस्टर को किस तरह से चेक करते हैं या और भी जितने कंपोनेंट है उसको किस तरह से चेक किया जाता है, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के चैनल पे डालूंगा। तो मेरे चैनल में आने वाले वीडियो को देखते रहे। और दोस्तों चलिए मैं आपको दूसरा पिन का भी कंपोनेंट पता लगा के दिखा देता हूँ। जैसे सेकेंड पिन इसका फाइंड करने के बाद अब जो दूसरा पिन है उससे जुड़ी कंपोनेंट मैं दूसरा पिन पे तार रख के यहाँ पे चेक करता हूँ, तो आप देख सकते हो इस पिन में
इस ये जो कंपोनेंट है रजिस्टर है तो इसमें बीप आ रही है, तो इस लाइन का कंपोनेंट ये हो गया और इस लाइन का कंपोनेंट ये हो गया। इसी तरह से और जितने भी कंपोनेंट है सभी लाइन के कंपोनेंट जो है उसको फाइंड कर सकते हो। माइनस लाइन में कोई कंपोनेंट नहीं होती है, लेकिन जो प्लस लाइन होती है फोर नंबर, जैसे फोर नंबर प्लस है तो उसमें रजिस्टर नहीं मिलेगा, उसमें आपको इस तरह से एक कैपेसिटर मिल जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे जो फोर्थ लाइन है उसमें एक कैपेसिटर रखा गया होता है। जितने भी अदर लाइन होते हैं सभी में रजिस्टर लगाया गया होता है, लेकिन जो फोर्थ लाइन है तो दोस्तों आप देख सकते हो फोर्थ लाइन में कैपेसिटर लगा हुआ है। जो अदर लाइन है वो सभी में रजिस्टर है, लेकिन जो फोर्थ लाइन है उसमें कैपेसिटर लगा हुआ है। और जो माइनस है वो तो डायरेक्ट आपका ग्राउंड से जो माइनस है उसमें कोई कंपोनेंट नहीं होता है, बाकी जो लाइनें होती है उसमें सभी में एक इस तरह का रजिस्टर लगा होता है। तो जिस भी लाइन में आपको फॉल्ट दिखे उस लाइन की जो कंपोनेंट है उसको फाइंड करके उसको आपको या तो उसको रिप्लेस करना है या तो जम्पर करना है। तो दोस्तों इस तरह से चेक करने के बाद जो भी कंपोनेंट आपको फॉल्टी दिखे उसको आपको जम्पर कर देना है। जैसे मानिए ये रजिस्टर आपको फॉल्टी दिख गए, इस रजिस्टर में कोई फॉल्ट है तो या तो आप इस रजिस्टर को चेंज कर सकते हो या यहाँ से लेके इस तरह से आप रजिस्टर के जो दोनों पिन है उसमें जम्पर कर सकते हो, या तो क्या कर सकते हो पिन नंबर ये वन से लेके यहाँ तक आप जम्पर कर सकते हो, यहाँ तक इस तरह से जम्पर डाल के काम कर सकते हो। इस तरह से करने के बाद इस तरह जो भी लाइन आपको फॉल्ट दिखे, जैसे इस लाइन में मानिए आपको फॉल्ट दिख गई, इसका जो वैल्यू फॉल्ट दिखेगा मतलब क्या है, इसका वैल्यू लो आना चाहिए। अभी जब हमने इसका कोल टेस्टिंग किया तो इसका सभी का वैल्यू लगभग 774, इसका वैल्यू भी उतना ही आ रहा था, पिन नंबर थ्री का वैल्यू भी उतना ही था, पिन नंबर फोर ये तो प्लस था तो इसका वैल्यू लगभग 608 या मतलब इससे कुछ कम था। उसके बाद जो और पिन है जैसे इसका वैल्यू तो ये तो बीप आएगा, जो पिन नंबर सिक्स है इसमें बीप आएगा क्योंकि ये माइनस पिन है, और जो अदर पिन है उसमें भी 774 मतलब एक ही तरह का वैल्यू आ रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई पिन में इस पिन में अगर आपको वैल्यू लो आ गई, तो अगर वैल्यू लो आ रही है तो आपको क्या करना होगा, इसकी लाइन में जो ये रजिस्टर है वो फॉल्ट हो सकती है, तो इस पॉइंट से लेके आपको ये लाइन की जो पॉइंट है वहां तक आपको इस तरह से जम्पर डाल देना है। जम्पर डाल देने के बाद क्या होगा, इसमें जो भी ये जो रजिस्टर फॉल्ट हो जाने के चलते जो भी प्रॉब्लम होगी वो सभी आसानी से सॉल्व हो जाएगी, और फिर आपका जो मेमोरी कार्ड डालने के बाद जो काम है वो प्रॉपरली होने लगेगा। लेकिन समटाइम्स दोस्तों क्या होता है, मेमोरी कार्ड डालने के बाद मोबाइल काम नहीं करती है, तो उस टाइम मोस्टली ये जो कैपेसिटर है वो फॉल्ट होने के कारण, क्योंकि इसका जो एक इंड है माइनस है तो माइनस और प्लस से शॉर्ट हो जाने के चलते कारण क्या होगा, पावर ऐसी जो भी वोल्टेज इसको देगी तो सभी ग्राउंड में चली जाएगी, यानी कि ये वोल्टेज को नहीं पाएगा और पावर ऐसी को भी शॉर्टिंग डिटेक्ट हो जाएगा, तो इसके चलते क्या होगा, पावर ऐसी ऑन होने के साथ ही फिर तुरंत ऑफ हो जाएगा, यानी कि पावर ऐसी मतलब मोबाइल ऑन नहीं होने का चांसेस भी हो सकते हैं। तो कभी मोबाइल डेड हो जाए तो आपको क्या करना है, जो भी प्लस पिन जैसे मेमोरी का प्लस पिन हो गया, सिम का प्लस पिन हो गया, तो उस सभी पिनों में आपको चेक करना है उसमें कोई शॉर्टिंग तो नहीं है, अगर शॉर्टिंग है तो पहले उसको आपको रिमूव करना है और उसके बाद ही आपका मोबाइल जो है ऑन हो पाएगी। मतलब इस तरह से फॉल्ट आने के बाद ये डायरेक्ट शॉर्ट तो नहीं होता है, मतलब इसको हाफ शॉर्टिंग भी बोल सकते हो आप, मतलब बैटरी ज्यादा ड्रॉप करना या समटाइम्स ऑन नहीं होने का भी कारण हो सकती है। तो अगर मोबाइल कभी भी ज्यादा बैटरी ड्रॉप कर रही है या हाफ शॉर्टिंग का इश्यू है तो आप क्या कर सकते हो, जो पॉजिटिव पिन है जितने भी होती है जैसे मेमोरी का, सिम का और भी जितने भी लाइन का पॉजिटिव पिन होती है सभी में आपको शॉर्टिंग चेक करना है। जहां पे भी आपको शॉर्टिंग फाइंड हो वहां की उस लाइन की जो कैपेसिटर है तो उसको आपको ये कैपेसिटर मोस्टली पैरेलल होता है तो इसको आप रिमूव भी कर सकते हो, सिर्फ निकालने से भी आपका जो काम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इसको रिमूव करने के बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप मेमोरी सॉकेट की कंपोनेंट को फाइंड कर सकते हो और रिपेयर कर सकते हो। अब हम जानते हैं जैसे मेमोरी कार्ड को किस तरह से चेक करना है। तो मेमोरी कार्ड को चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे इसका प्लस और माइनस पिन आप कैसे फाइंड कर सकते हो, तो प्लस और माइनस फाइंड करने के लिए आपका जो लाइन है जैसे यहाँ पे जितने भी लाइन दिख रही है दोस्तों तो सभी लाइन इक्वल है, लेकिन दो लाइनें बड़ी होगी इसमें, आपको अगर देखोगे तो दो लाइनें इसमें बड़ी होगी, तो जो दो लाइन बड़ी है तो वो मतलब वो वोल्टेज सप्लाई के लिए वो लाइनें है। जैसे पिन नंबर फोर हो गया क्योंकि फोर के जैसे सिक्स होना चाहिए, ये पिन नंबर सिक्स होना चाहिए क्योंकि इसके नीचे सिर्फ दो ही लाइन है और इससे ऊपर चार लाइन है, तो यानी कि ये पिन नंबर सिक्स है, ये पिन नंबर फोर है। तो आपको क्या करना है, जो रेड वायर है मल्टीमीटर की उसको आपको पिन नंबर सिक्स पे इस तरह से डाल लेना है, और जो ये ब्लैक है उसको आपको यहाँ पे
प्लस में टच करना है, तो प्लस में टच करने के बाद आप देख सकते हो इसका वैल्यू 377 वैल्यू आ रहा है। तो अगर मनी आपका मोबाइल मनी आपका जो मेमोरी कार्ड है वो शॉर्ट है तो इसमें क्या होती बीप देती है, तो ये वैल्यू बहुत कम आती है, मनी 50 के करीब ये वैल्यू, मतलब 100 से नीचे अगर वैल्यू आ रही है तभी अभी आपका जो मेमोरी है वो या तो गर्म होगा या तो काम नहीं करेगा। तो इस तरह से आप मेमोरी कार्ड को टेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा और भी पिनों में चलिए चेक करते हैं, जैसे यहाँ पे 470 और फिर दूसरे में 470 और बाकी जितने भी पिन हैं सभी में ऑलमोस्ट उतना ही वैल्यू आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों बाकी प्लस के अलावा जितने भी पिन है सभी का जो वैल्यू है वो 470 के करीब में है, लेकिन जो प्लस का वैल्यू है वो कम है, यानी कि प्लस का जो वैल्यू है वो 377 के करीब आ रहा है, यानी कि प्लस का वैल्यू ऑलवेज ही लो रहेगी और जो डाटा पिन है उसकी वैल्यू ऑलवेज आपको हाई मिलेगी। लेकिन आपको चेक करते वक्त क्या करना है, रेड को माइनस पे रखना है, ये याद रखे रेड को ऑलवेज माइनस पे रखना है और ब्लैक से चेक करना है। लेकिन अगर आप क्या करते हो रेड को प्लस पे रख देते हो और ब्लैक से चेक करते हो तो देख सकते हो आप जो वैल्यू है वो कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। तो उल्टा चेक करने से आपका जो वैल्यू है वो कभी नहीं आएगा। जब भी आपको टेस्ट करना है तो आप क्या कर सकते हो रेड वायर को इसकी माइनस पिन पे रखना है और ब्लैक वायर को यूज करके टेस्ट करना है। इस तरह से आप मेमोरी कार्ड का भी टेस्टिंग कर सकते हो और मोबाइल का बोर्ड का भी कोल्ड टेस्टिंग करके फाइंड आउट कर सकते हो। तो मेमोरी कार्ड में भी फॉल्ट है तो इसका जो वैल्यू है बहुत लो आएगी और समटाइम्स शॉर्टिंग आ रही है, तो आप समझ जाइए कि आपका मेमोरी कार्ड जो है बिल्कुल शॉर्ट है, तो आप दूसरा मेमोरी कार्ड डाल सकते हो। तो चलिए अब हम हॉट टेस्टिंग करके देखते हैं। तो हॉट टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पे देखिए मैंने एक बोर्ड लिया हुआ है, इसको मैंने वोल्टेज से कनेक्ट किया हुआ है इस तरह से, जैसे आप देख सकते हैं इसका जो मैंने वोल्टेज यहाँ पे लगभग 4 वोल्ट के करीब, आप 4.2-4.5 तक देख सकते हो मोबाइल को ऑन करने के लिए। तो देने के बाद मैं इसको वोल्टेज यहाँ पे डाल दिया हूँ। अब वोल्टेज टेस्ट करने के लिए क्या करना है, मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी के रेंज में सेट करना है। तो मल्टीमीटर जो है उसको अब मैं 20 वोल्ट डीसी में सेट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ और वोल्टेज टेस्ट करते वक्त आपको ब्लैक को ब्लैक में रखना है और रेड को रेड में, यानी ब्लैक को माइनस पे रखना है और रेड को प्लस पे रखना है। कोल्ड टेस्टिंग के वक्त रिवर्स होता है। तो अभी मैं इसका वोल्टेज टेस्ट करता हूँ, जैसे माइनस को मैंने यहाँ पे रख लिया और प्लस यहाँ पे चेक करता हूँ, जैसे इसमें आप देख सकते हो कहीं पे भी वोल्टेज अभी किसी भी पिन में वोल्टेज अभी नहीं दिख रही है, क्योंकि मोबाइल को मैंने ऑन नहीं किया। तो अब मैं मोबाइल को ऑन कर देता हूँ। मोबाइल को ऑन करके तो मोबाइल ऑन हो चुका है। अब ऑन होने के बाद मैं इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ और फिर से हमें चेक करना है। जैसे वोल्टेज चेक करते वक्त ब्लैक वायर को माइनस पे रखें और जो रेड वायर है उसको रेड वायर को यूज करके चेक करें। तो चलिए मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे 3.15 वैल्यू आ रही है, यहाँ पे 3.15, यहाँ पे 3.25, यहाँ पे 0, यानी कि ये जो 0 आ रही है वो माइनस पिन है, माइनस में 0 आएगी क्योंकि माइनस में वोल्टेज नहीं होती है। और बाकी जितने भी पिन है उसमें सभी में आपको कुछ न कुछ वोल्टेज 3 से ऊपर आपको वोल्टेज मिलेगी। जो प्लस पिन होगी उसमें डायरेक्ट आपको जितना, जैसे माइनस हो गई तो ये प्लस है, तो प्लस पिन में आप देख सकते हो 3.3 के करीब में वोल्टेज देख सकते हो, 3.3 के करीब में वोल्टेज है, लेकिन बाकी जो पिन होगी उसमें कम वोल्टेज आएगी। जैसे आप देख सकते हो 3.1, 3.14। तो दोस्तों इस तरह से चेक करने के बाद हमें पता चल चुका है कि जितने भी वोल्टेज आ रही है, तो दोस्तों जिस लाइन में रजिस्टर डाली गई होती है उसमें उसका जो वोल्टेज होता है वो 3.3 से कम आता है, और जिस लाइन में वोल्टेज डायरेक्ट आ रही होती है उसमें डायरेक्ट 3.3 वोल्टेज आता है। तो पावर ऐसी सभी को 3.3 दे रही होती है। तो दोस्तों इस तरह से आप हॉट टेस्टिंग करके भी फाइंड कर सकते हो, अगर वोल्टेज किसी लाइन में नहीं आ रही है तो उस लाइन की कंपोनेंट को आपको फाइंड करके रिप्लेस करना है। तो दोस्तों मेमोरी कार्ड की सॉकेट से जुड़ी रिपेयरिंग, टोटल फुल रिपेयरिंग इस तरह से आप कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह के और भी बहुत वीडियो इस चैनल पे आने वाली है जो आपको बहुत ही फायदा करेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय फॉर नाउ।